है दोस्तों, मेरा नाम है अश्वनी कुमार गोड़। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे क्वेरी के बारे में। हम कैसे क्वेरी को सोल्व कर सकते हैं, अगर किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा तो हम उसे कैसे सोल्व करेंगे, आज सिर्फ इसके ही बारे में बात चलेगा। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ अपना नोट पैड पे। चला जाता हूँ नोट पैड पे। जाने के बाद मैं कोई एक क्वेरी लिखूंगा। इसमें क्वेरी क्या है, मुझसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा, जैसे कि रीड द एम्प्लॉय नेम हूज सैलरी इज 10,000। मैंने क्या लिखा, पहली क्वेरी क्या लिखी इसमें, रीड द एम्प्लॉय नेम, रीड द एम्प्लॉय नेम हूज सैलरी इज 10,000। तो इसमें हमसे पूछ ले, हमारे पास कोई टेबल बनी हुई है, टेबल दी गई है, उसमें पूछा कि रीड द एम्प्लॉय नेम, उस एम्प्लॉय का नेम चाहिए जिसकी सैलरी क्या है 10,000 है। तो हम उसे सोल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे कि जो भी हमें, ठीक है, हमें क्या चाहिए, उसका ई नेम चाहिए। तो सबसे पहले करेंगे सेलेक्ट क्या चाहिए, उसका ई नेम चाहिए ना, ई नेम, एक फील्ड है उसमें ई नेम चाहिए मुझे। फिर हम किससे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में चाहिए मुझे टेबल का नाम। अब किस चीज को सिलेक्ट करूंगा, मैं टेबल को सिलेक्ट करूंगा, किस टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। आफ्टर दैट वो कहां है, क्या सिलेक्ट करना है मुझे इसमें, वेयर, WHERE, वेयर, जहां क्या है सैलरी जो है क्या है इक्वल टू है 10,000 के बराबर। तो ये प्रॉब्लम हमारी क्या हो गई, हमारी सोल्व हो गई। पहले हमसे क्वेश्चन उसने क्या करा, हमसे क्वेश्चन करा उसने, रीड द एम्प्लॉय नेम हूज सैलरी इज 10,000। मैंने क्या बताया आपको, कैसे सोल्व हो गया, सबसे पहले सेलेक्ट करा उसका ई नेम के सेलेक्ट करना था मुझे उसका, टेबल का नाम दिया किससे, फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, और भेयर जहां सैलरी क्या है उसकी 10,000 है। तो अब रन करा के देख लेते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम को पहले क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए विंडो की प्रेस करेंगे, लिखेंगे XAMPP। जैसे हम विंडो की के साथ एग्जाम को प्रेस करेंगे तो हमें हमारे पास एक ऐसा विजार्ड सर्च ऑप्शन बना हुआ होगा, विजार्ड जैसा ऐसा। उसके बाद हमें हम करेंगे यहाँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, यस करेंगे, और हमें क्या मिलेगा इसके बाद, एक पैनल खुला मिलेगा एग्जाम सर्वर का, जिसमें हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एग्जाम सर्वर को। यहां से जाएगा, मेरा पहले से ही स्टार्ट था, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम ब्राउजर पे जाएंगे, ब्राउजर पे जाने के बाद हम न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, है लिखेंगे लोकल होस्ट, क्या लिखेंगे लोकल होस्ट, और जैसे ही हम लोकल होस्ट पे क्लिक करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, एक इस प्रकार का हमें क्या मिलेगा, एक विंडो आ जाएगी ओपन होके। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हम दो तरीके से वो क्वेरी सर्च कर सकते हैं। अब हमें हमारा एग्जाम तो रन हो गया, हमारे पास ये भी आ गया, ठीक है। हम एक बार टेबल देख लेते हैं हमारे पास टेबल कहाँ है। तो PHP माई एडमिन करा मैंने यहाँ, और प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन राइट नाउ, एंड आफ्टर दैट टिल वेट। तो न्यू विंडो हैज ओपन राइट नाउ, तो हमारे सामने एक विंडो खुली मिली है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से, जो लिखा हुआ है हमारा कौन सा डेटाबेस का नेम क्या था, ASD था, हमने इसे क्लिक किया, और ASD पर क्लिक करने के बाद मैंने एक टेबल बनाई थी एम्प्लॉय की, उसे मैंने क्या करा, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे फील्ड मिल गई। अब मुझे इसमें से देखना है, मुझे इसमें से क्या करना है, जिसकी सैलरी क्या है 10,000, ऐसे एम्प्लॉय ढूंढना। तो इसमें ऐसा एम्प्लॉय कौन सा है, इसमें स्मिथ ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी क्या है 10,000। तो अब हम इसे कमांड मोड में कैसे लिखेंगे, क्वेरी को कैसे रन कराएंगे, क्वेरी कैसे लिखेंगे हम इसकी। तो इसे हम क्या कर देंगे, यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे, मिनिमाइज करने के बाद हम विंडो के साथ R दबाएंगे, प्रेस करेंगे, रन कमांड चलाएंगे, और यहाँ के लिख देंगे CMD और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सी ड्राइव में जाना। तो सी ड्राइव में मैं आ गया क्योंकि मेरा एग्जाम सर्वर सी ड्राइव में रखा हुआ है, और मुझे जानी है लोकेशन कॉपी करनी पड़ेगी। लोकेशन कॉपी करने के बाद कहाँ आऊँगा मैं, कंप्यूटर में जाऊँगा, कंप्यूटर में जाने के बाद सी ड्राइव पे आऊँगा, सी ड्राइव में जाने के बाद मैं एग्जाम सर्वर कहाँ है वहाँ आऊँगा, उसके बाद मैं माई सीक्वल कहाँ है, माई सीक्वल पे जाऊँगा।
MySQL पे जाने के बाद मैं इस लोकेशन को यहां से क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, कॉपी दैट द लोकेशन एंड आफ्टर दैट इंसर्ट लोकेशन आफ्टर सीडी। जैसे ही मैं इसे पेस्ट करूंगा यहां और एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं कहां आ गया, MySQL में आ गया। अब मुझे क्या करना है, अपना यूजर सेलेक्ट करना है, यूजर को क्या करना है, ओपन करना है। यूजर को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, जो मेरे पास रूट है बाय डिफॉल्ट जो रूट यूजर है मैं उसे ओपन करूंगा, ठीक है। अपना यूजर भी बना सकते हैं, ये बहुत बात की बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रूट यूजर को ही हम एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे MySQL, यहां जाएंगे, यहां जाने के बाद हाइपन लगाएंगे, यू लिखेंगे, यू का मतलब है यूजर, यूजर क्या है मेरे पास, रूट है, ठीक है, रूट करेंगे। रूट करने के बाद में क्या कहां जाएंगे हम, पी लिखेंगे और पी के बाद एंटर करेंगे, क्योंकि मेरे बाय डिफॉल्ट मैंने कोई पासवर्ड उसमें सेव नहीं करा रखा तो मैं डायरेक्ट एंटर कर सकता हूं और मैं कहां जाऊंगा, मारे डेबिट पे जाऊंगा। इसके बाद हम मैग्नीफायर करके देख लेते हैं कि जूम हो जाएगा क्योंकि सही से देख नहीं रहा होने का। इसे मिनिमाइज करा लेंगे यहां से और हम यहां आ जाएंगे, नीचे जाएंगे, अब यहां आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटाबेस को शो करेंगे, डेटाबेस को SHOW शो डेटा BASES शो डेटाबेस। जैसे हम एंटर करेंगे तो हम पे क्या मिलेगा, हमें एक इस प्रकार का हमें क्या मिल जाएगा, ये डेटाबेस मिल जाएंगे हमें इस प्रकार के, हम यहां आ जाएंगे, शो हो जाएगा डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है हमारा, इसके अंदर डेटाबेस हमारा AST, ठीक है। तो उसे हम क्या करेंगे, एक कमांड चलाएंगे यूज नाम की, यहाँ क्या करेंगे USEU चलाएंगे और डेटाबेस का नाम देंगे AST। और हम जैसे ही एंटर कराएंगे हम डेटाबेस को हमने क्या कर लिया, यहाँ सेलेक्ट कर लिया, डेटाबेस को क्या कर लिया हमने, यहाँ आके सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है टेबल शो करानी है, ठीक है, SHOW शो TABLES शो टेबल्स करेंगे और एंटर कराएंगे। टेबल कौन सी है हमारी, एम्प्लॉय, तो सेलेक्ट करेंगे SELECT सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, टेबल पे कैसे हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे हम डेटाबेस को, अगर हमें याद होता तो, अगर हमें याद नहीं तो हम कैसे उसे शो कर सकते हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद क्या था, स्टार था, स्टार के बाद था फ्रॉम, फ्रॉम के बाद में क्या था, टेबल का नाम EMPLOY EE। और जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे हम पे टेबल बनी हुई आ गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चनिंग में क्या कह रहा था, वो क्वेश्चनिंग में कह रहा था मुझे रीड द एम्प्लॉय नेम हूज सैलरी इज 10,000। अब हमें क्या करना है, एक क्वेरी करानी है, क्या करानी है, स्टार्ट करेंगे SELECT, सेलेक्ट करेंगे किसे, ई नेम, क्योंकि ई नेम मुझे बताना है उसका। आफ्टर दैट क्या करेंगे, फ्रॉम लगाएंगे, यहाँ फ्रॉम करेंगे, फ्रॉम के बाद में क्या करना चाहेंगे, EMPLOY एम्प्लॉय, किससे करना है, टेबल से सेलेक्ट करना है, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। आफ्टर दैट वेयर, जहां क्या है, जहां सैलरी जो है, सैलरी SALARY सैलरी क्या है, इक्वल टू है 10,000 103040, ठीक है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ई नेम हमारा कुछ गलत आ रखा है इसमें, NAME, मैंने यहाँ नेम की स्पेलिंग यहाँ गलत लिख दी है, दोबारा से हम क्वेरी को रन कराएंगे। जैसे ही हम यहाँ एंटर कराएंगे और हम यहाँ आएंगे, सॉरी फॉर दैट, NAME नेम करेंगे, जैसे ही मैं एंटर प्रेस कराऊंगा तो मेरे पास क्या गया, क्वेरी रन हो गई और यहाँ क्या आ गया, स्मिथ का नाम आ गया। अब हम टेबल भी देख लेते हैं, टेबल में देख लेते जाएंगे, सबसे सैलरी क्या है, देखो वाओ कि हमें हमें वो उस फील्ड का नाम मिल गया, यहाँ 10,000 है, ठीक है, उसकी सैलरी। अभी तो ये 5 है, अगर मेरे पास 10,000 का डेटा हो तो कैसे शो करेंगे, तो इसलिए हमें क्वेरी रन करा के देखना पड़ेगा कि कौन सी किसकी सैलरी 10,000 है। ओके, दूसरी क्वेरी रन कराते हैं, हम नोट पैड पर चले जाते हैं, यहाँ यहाँ पहले मैग्नीफायर पर आते हैं, थोड़ा सा इसकी जूम हम कम कर लेते हैं, थोड़ा परेशानी हो रही है जूम को, एंटर। अब हम कहाँ जाएंगे, नोट पैड पर जाएंगे, आ गया, ओके। अब हम नोटपैड पर आ गए, ठीक। नोटपैड पर आने के बाद पहली क्वेरी तो ये थी हमारी, दूसरी क्वेरी क्या है मेरे पास कि अब मुझे क्या चाहिए, इन द डेटाबेस
मुझे चाहिए गिव मी द एम्प्लॉय नेम हुज सैलरी इज ग्रेटर देन। अब हम सेकंड क्वेरी के बारे में बात करेंगे। अगर किसी ने कोई क्वेरी पूछी कि गिव मी द एम्प्लॉय नेम हुज सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000, तो क्या है, गिव मी द एम्प्लॉय नेम हुज सैलरी इज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। ठीक है, हमने एंटर कराया है, तो हम कैसे इस क्वेरी को रन करा सकते हैं। तो सबसे पहले समझने की बात इसमें ये है कि वो किस ऑप्शन को सेलेक्ट कराने की बात कर रहा है। ठीक है, नेम को, तो हमारे पास क्या फील्ड है, ईनेम। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करा लेंगे ईनेम को, SELECT सेलेक्ट ENAME नेम, NAME सेलेक्ट करेंगे ईनेम। ठीक है, अब कहां से सेलेक्ट कराना है, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है उसका, EMPLOY, टेबल का नाम है हमारे पास एम्प्लॉय है। ठीक है, जहां क्या है WHERE, वेयर, जहां क्या है हमारे पास सैलरी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है 10,000। ठीक है, एंटर करा दें, तो ये हमारी क्या होगी, क्वेरी रन होगी। हम इस क्वेरी को यहां से कॉपी कर लेते हैं, डायरेक्ट वहां भी जाकर लिख सकते हैं, और यहां से कॉपी करेंगे यहां से, और इसे सीएमडी में आएंगे, यहां कमांड लाइन इंटरफेस पे आएंगे, मैग्नीफायर करेंगे यहां, अब यहां आ गया, मिनिमाइज करेंगे इसे, क्वेरी रन करा। जैसे ही मैं यहां पेस्ट कराऊंगा, पेस्ट में क्या करूंगा, क्यों मुझसे पूछा था उसने कि गिव मी द एम्प्लॉय नेम हुज सैलरी इज क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 10,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेमी कोलन लगाएंगे, और जैसे ही हम यहाँ एंटर करेंगे तो मुझे तीन बंदों के नाम मिले, जिनके नाम क्या है, स्मिथ है, काल है, राम है, और हम इस पर इसे एक बार देख लेते सेलेक्ट करके। तो हमने कमांड चलाई SELECT सेलेक्ट स्टार फिरोम EMPLOY, और मैं सेमी कोलन लगा के जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मैंने देख लिया कि तीन ही सैलरी है इसमें, कौन कौन सी है, एक राम की है, एक काल की है, और एक स्मिथ की है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेरी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेरी के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे अपने नोटपैड पे, और नोटपैड पे जाके हम यहाँ जाएंगे, और हम यहाँ जाने के बाद में यहाँ जाएंगे। ठीक है, तीसरी क्वेरी क्या है हमारी, अब तीसरी क्वेरी के बारे में बात करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, किसी ने हमसे बोला मुझे इस टेबल में दो कॉलम चाहिए, एक EID चाहिए, एक ईनेम चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे उन कॉलमों को। ठीक है, गिव मी द EID और ईनेम कॉलम फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है, EID एंड ईनेम name column from table, मुझे टेबल से दो कॉलम चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे, उन दो कॉलमों को सेलेक्ट करेंगे जो हमें चाहिए। तो कौन से कॉलम चाहिए हमें, SELECT सेलेक्ट करेंगे। इसमें और कुछ नहीं है, इसमें तुम्हें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि हमें चाहिए क्या और हमें कहां से चाहिए। सेलेक्ट करना है EID के बाद में कोमा लगाएंगे, क्या चाहिए फिर, ENAME चाहिए। उसके बाद में कहां से चाहिए मुझे, फ्रॉम एम्प्लॉय से, EMPLOY एम्प्लॉय से चाहिए। जैसे ही मैं इसे एंटर कराऊंगा तो मेरे पास ये क्वेरी रन हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि जैसे मैं कहाऊंगा, मैं CMD कमांड पे आऊंगा, CMD मोड पे आऊंगा, यहां जाऊंगा और मैं
पहले मैग्नीफायर पर चला जाऊंगा, यहाँ के सीएमडी मोड पर जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेरी क्या कराता हूँ, रन कराता हूँ। क्या क्वेरी रन कराती है, मुझे दो कॉलम चाहिए, कहाँ से चाहिए, टेबल से चाहिए, ई आई डी का और ई नेम के कॉलम, ई नेम चाहिए, एक साथ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले करूँगा एस ई एल ई सी टी सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद ई आई डी कोमा ई एन ए एम ई नेम करूँगा, एफ आर ओ एम फ्रोम कहाँ से चाहिए, इम्प्लॉय ए एम पी एल ओ वाई डबल इम्प्लॉय वाली टेबल से चाहिए। जैसे मैं सेमी कोलन लगाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे अभी दोनों कॉलम शो हो गए, ई आई डी का भी और ई नेम का भी। नेक्स्ट क्वेरी रन कराएंगे हम, गिव द एम्प्लॉय नेम हूज सैलरी इज 5000 एंड 2000, कि मुझे दो सैलरी वाले नाम चाहिए जिनकी सैलरी क्या होनी चाहिए, 5000 होनी चाहिए और 2000 होनी चाहिए, और दो नाम चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे नोटपैड पे, यहाँ नोटपैड पे आएंगे, नोटपैड पे हम यहाँ आके क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसे हम क्या करेंगे, क्लोज विंडो, क्लोज, यहाँ आएंगे और नोटपैड पे आ जाएंगे। नोटपैड पे आने के बाद हम यहाँ जाएंगे, फोर्थ क्वेरी क्या है इसमें, फोर्थ क्वेरी है गिव मी give me the employee name whose salary is 5000 and 2000। मुझे ऐसे नाम चाहिए जिनकी सैलरी क्या है हमारी, ऐसे नाम चाहिए जिनकी सैलरी क्या है हमारी 5000 है और 2000 है, ठीक है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मुझे क्या सेलेक्ट करना है, सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना है नेम, सेलेक्ट करना है एस ई एल ई सी टी, सेलेक्ट करना है क्या करना है, ई नेम, क्यों मुझे ई नेम चाहिए उसमें से, कहाँ से सेलेक्ट करना है, फ्रॉम, फ्रॉम से एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय क्या है, टेबल का नाम है, एम्प्लॉय से सेलेक्ट करना है, वेयर, वेयर जहां एस ए एल ए आर वाई सैलरी जो है वो क्या है, इन है, ऐसा लगाना है और एक पैरेंथेसिस स्टार्ट कर देना है, क्या लिखना है, 5000 लिखना है, ठीक है, कोमा लगाना है, 2000 लिखना है, और इसे क्या कराना है, पैरेंथेसिस को बंद कराना है और सेमी कोलन लगा देना है, और क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो सब मैं यहाँ से इस वाली क्वेरी को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर देता हूँ और वहाँ जाके क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉपी करा लिया और मैं अब कहाँ आऊँगा, सी एम डी मोड पर आऊँगा, कहाँ आऊँगा, सी एम डी मोड पर, तो सी एम डी में आऊँगा हमारे डिग्री पर, ठीक है। अब मुझे ये क्वेरी करनी है, पेस्ट कर देनी है, ठीक है। तो इसमें पेस्ट करने के बाद मेरे पास क्या दो नाम आ गए हैं, पंकज आ गया है और क्या आ गया है, विक्रम आ गया है, मेरे पास दो नाम है कि जिनकी सैलरी क्या है, 5000 है और 2000 है। हम एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी एल ओ वाई डबल एम्प्लॉय, तो 5000 2000 किसकी, पंकज की और विक्रम की है सैलरी। अब इसमें हम लास्ट क्वेरी देखते हैं, तो अब देखते हैं मेरे पास क्वेरी क्या है, मेरे पास क्वेरी है गिव मी द एम्प्लॉय आईडी हुज नेम एज स्मिथ एंड कार्ल, ठीक है। उसके बाद में हम कहाँ जाएंगे, सीएमडी मोड पर जाएंगे, और सीएमडी मोड के पास जाने के बाद हम मैग्नीफायर से इसे बढ़ा देंगे और इसे मिनिमाइज करेंगे, घटा देते हैं, ठीक है। अब वहाँ क्या लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे, सेलेक्ट एस ई एल ई सी टी सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद में लिख देंगे ई आई डी फ्रॉम ई एम पी एल ओ वाई डबल ई एम्प्लॉय वेयर डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर ई नेम इन क्या है मेरे पास, स्मिथ। तो पहले थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ था शायद, तो इसमें क्या लिख देंगे हमसे,
इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे सिंगल वाला, इसमें लिखेंगे एस एम आई टी एच स्मिथ लिखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है हमारे पास, कोमा कराएंगे, फिर क्या लिखेंगे सी ए आर एल कार लिखेंगे, और इसे भी हम क्या कराएंगे इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे, पैरेंथेसिस बंद करेंगे, सेमी कोलन लगाएंगे, जैसे ही हम एंटर करेंगे मेरे पास दो आइडिया के 100 और 101। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेरी के साथ, नई प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। मेरे साथ बने रहे प्रोग्रामिंग विद अश्विनी में, मैं आपका दोस्त अश्विनी कुमार गौर, दैट्स ऑल।